बीजेपी के महामंत्री दिनेश वर्मा और मुन्ना त्रिवेदी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 16 सितंबर की रात जिला न्यायालय के सामने वैशाली पलांटे की दुकान में तोड़फोड़ की। इन लोगों ने काफी नुकसान पहुंचा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वैशाली अतुल पारांटे पिछले कई वर्षों से जिला न्यायालय के सामने ऑनलाइन सेंटर एवं जेरोक्स का व्यवसाय कर रही है तथा जिला न्यायालय के सामने सरकारी परिसर में कई वर्षों से अपना व्यवसाय कर रही है। 16 सितंबर की रात 9 बजे के बीच बीजेपी महामंत्री दिनेश वर्मा, मुन्ना त्रिवेदी और अनिल कावड़कर ने पालांटे की दुकान में तोड़फोड़ की और यह घटना पालांटे की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि यह लोग सब्बल हाथ में लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस संबंध में वैशाली पलांटे ने हैंगनघाट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन ने इस तरह की गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कोई आवश्यक की कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वैशाली पलांटे ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करी है। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल बन गया है। नागरिकों के सुरक्षा का बड़ा मुद्दा इस वक्त खड़ा हो गया है। तो वैशाली अतुल पालांडे, मी तहसील कार्यालय समोर माझा एक झेरॉक्स सेंटर आणि ऑनलाइन सेंटर आहे। 20 वर्षापासून मी इथेच तो व्यवसाय करत आहे। काल रात्री दिनेश वर्मा आणि मुन्ना त्रिवेदी ह्या दोघांनी जे माझं दुकान आहे तिथे तोडफोड केली आणि हे सगळं त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हे सगळं कैद झालेलं आहे। आणि त्यांची तक्रार घेऊन मी पोलीस स्टेशन हिंगणघाट इथे गेली असता त्यांना सगळं लाईव्ह प्रकार दाखवला की सर असं असं प्रकरण तिथे चालू आहे, तर त्या लोकांनी काहीच कारवाई न करता फक्त मला NC मॅटर करून मला वापस पाठवलं। माझी माझी एकच विनंती आहे की मला तो योग्य तो न्याय देण्यात यावा, कारण की मला अपेक्षित ती काहीच कारवाई पोलीस स्टेशनकडनं झालेली नाही आहे। यात मला भरपूर प्रमाणात नुकसान झालं आहे आणि तसं माझ्या जीवालाही मागेपुढे हानी आहे। उद्या काही कमी जास्त झाल्यास याला कोण जबाबदार राहणार आहे? आणि लोक पोलीस स्टेशन मला NC मॅटर करून त्यांना सोडून दिलेलं आहे, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली नाही। माझी एकच अपेक्षा आहे की पोलीस स्टेशनने आणि शासनाने योग्य ती त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी। इनबीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।